and welcome to your online classes for food production. My grade 10 students, unit 3, vegetables and fruits cookery. The subtopic 3.5, tips for preservation of nutrients while processing fruits and vegetables. The fruits and vegetables we have, how can we preserve its nutrients? मतलब के जब हम इन fruits and vegetables को use करते हैं खाना बनाने में या सैलड्स में या किसी भी डिश में, हम इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं कि वो खाने में रहें. ठीक है, दे शुड नॉट बी लॉस्ट. सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड दिस. देयर आर सम बेसिक फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिंस, मिनरल्स एंड फाइबर. हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सबसे अच्छे सोर्सेज हैं, हमें उनसे विटामिंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं एंड फाइबर मिलता है. ठीक है, टू विटामिंस बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोलबल, जो पानी में सोलबल होते हैं. ठीक है, दैट कैन ईजली डिजॉल्व एंड बी सोलबल इन वाटर इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. हैंस दे आर लॉस्ट व्हाइल वॉशिंग, कुकिंग इन अ लॉट ऑफ वाटर और इवन लिविंग द फ्रूट ऑफ वेजिटेबल इन वाटर फॉर लॉन्ग आवर्स. सो जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है एंड विटामिन सी होता है, जब हम इन्हें धुलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा धो दिया या ज़्यादा लंबे समय तक पानी में छोड़ दिया हमने, ठीक है, या ज़्यादा पानी में हमने इन्हें बॉयल कर दिया, तो इनके न्यूट्रिएंट्स बहुत ईजली लॉस्ट हो सकते हैं. इवन ऑक्सीडेशन कैन कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स ए डी ई एंड के आर फैट सॉल्युबल. These vitamins are lost in the fat content of the cooking medium or other ingredients. जो vitamins A, D, E and K हैं ये बहुत जल्दी fat में खो जाते हैं. इनके जो vitamins हैं ये cooking में खो जाते हैं अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा fat में and लंबे समय तक पकाते हैं. ठीक है, lost. When the vitamins are lost, that means जो हमारा fruit and vegetable हमें देगा, हमारी body को provide करेगा. For example, vitamins होते हैं antibodies strong बनाने के लिए. जब वो विटामिन उसमें से ख़त्म हो जाएगा देन उसका क्या फ़ायदा है, जब हम उसे खाते हैं फ़ायदा नहीं होता है. सो वी शुड ट्राई टू प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दीज फ्रूट्स. फूड प्रिपरेशन टेक्निक्स सच एज पीलिंग, चॉपिंग एंड कुकिंग मेक एन इम्पैक्ट ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एज अ जनरल रूल, कीप कुकिंग टाइम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड टू अ मिनिमम. हाउ फूड्स आर कुक्ड कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट. दैट्स बिकॉज many vitamins are sensitive to heat and air exposure. Vitamin C, the B vitamins and folate in particular, loss of nutrients increases as cooking time increases and with higher temperatures. इसमें हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा. Vitamins जो होते हैं वो heat and air से बहुत sensitive होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा heat application से या air exposure से vitamins ख़त्म हो जाते हैं. So, हमें क्या रखना है, कुकिंग टाइम, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड टू अ मिनिमम, कम से कम रखना है. ठीक है, कम समय के लिए पकाओ. जो टेम्परेचर है मतलब हीट, अगर आप कोई इंडक्शन या ओवन यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो टेम्परेचर होती है उसे कम रखें. अगर आप गैस पे पका रहे हैं तो गैस की भी जो लो होती है फ्लेम थोड़ा कम रखें, एंड जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा मिनिमम अमाउंट में रखें. ये तीन बहुत अच्छे टिप्स हैं अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करने के लिए. Cooking methods that minimize the time, temperature and amount of water needed help to preserve nutrients. Steaming is a good way to cook vegetables quickly and retain valuable nutrients. Stir frying is another way to quickly cook a variety of vegetables. अब देखें, steaming, जब हम नीचे पानी रखते हैं उस पर एक जाली रखते हैं, देन उसके ऊपर अपनी सब्जियां रखते हैं, मतलब भाप में जब हम पकाते हैं, इससे क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, सब्जियां जल्दी भी पक जाती हैं एंड जितना भी उनमें विटामिन होता है वो सब रिटेन हो जाता है, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं. ठीक है, वैल्यूएबल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसमें रहते हैं, साथ में ही कलर भी रिटेन होता है. ठीक है, कलर भी ख़राब नहीं होता, शेप भी ख़राब नहीं होती. सो स्टीम कुकिंग इज़ अ गुड मेथड. ऑल्सो स्टेयर फ्राइंग, स्टेयर फ्राइंग इज सिंपली इन अ पैन, यू टेक लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड ऊपर ऊपर ही आप सब्जियों को उनमें हल्का फुल्का सा तलते रहें. ठीक है, डीप फ्राइंग नहीं करनी, हल्की ही फ्राइंग करनी है. The next subtopic is how we can, what we should do to preserve the nutrients in the kitchen.
मतलब कि कुछ टिप्स हैं जो हमें किचन में फॉलो करनी चाहिए। इनसे क्या होता है, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम इजली इनके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दीज आर सम टिप्स, लेट अस सी। यूज़ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर इन सीजन। फ्रेश राइप प्रोड्यूस इन सीजन विल यूजुअली बी हाइएस्ट इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट विद द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द सीजनल प्रोड्यूस। हेंस एज फार एज पॉसिबल यूज़ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। अब देखें, जो भी आपकी फलन सब्जी फिलहाल सीजन में है, आप उन्हें फ़ौरन यूज़ करें। जब हम उन्हें फ्रिज में रखते हैं या उन्हें बर्फ जमा लेते हैं कि फिर यूज़ करेंगे बाद में, तो उससे जो है उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। सो ए सिंपल एडवाइस इज फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाएं, उन्हें रखकर बासी करके बर्फ जमा कर ना खाएं। ज्यूडिशियस यूज ऑफ वाटर। अप टू 50% ऑफ विटामिन सी, थियामिन, विटामिन B6 एंड फोलेट कंटेंट इन फूड कैन बी लॉस्ट टू द वाटर इट्स कुक्ड इन। इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, यूज कुकिंग मेथड्स लाइक स्टीमिंग, स्टेयर फ्राइंग दैट यूज लेस वाटर। यूज लेस वाटर इन स्टीमिंग एंड बॉइलिंग एंड रीयूज कुकिंग वाटर इन सूप, सॉसेस, मेकिंग डो और जूसेस टू कैप्चर एस्केप्ड न्यूट्रिएंट्स। एक बहुत अच्छी टिप है। देखें, अब जो विटामिन सी है, थायामिन, विटामिन B6 एंड फोलेट जो होते हैं ना, ये पानी में अपने न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं, ठीक है, जिसमें हम इन्हें पकाते हैं। अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो कम पानी यूज़ करें, ठीक है, नहीं तो आप स्टीमिंग करें या स्टेयर फ्राइंग, जिसमें बहुत ही कम पानी यूज़ होता है। एंड अगर आपने पानी में, चलो बॉईल कर भी लिया, वो पानी साफ़ यूज़ करना आप, ताकर बाद में उस पानी से आप या तो अपने सूप्स बना लीजिए, कोई सॉस बना रहे हैं तो उसमें पानी ऐड करना है तो वही वाला यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आटा गूंदना है तो वो पानी यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स उस पानी में निकल गए थे, आप दोबारा उन्हें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप दोबारा उन्हें सूप में या सॉस में यूज़ करके यू आर स्टिल हैविंग द न्यूट्रिएंट्स। सो हमें कम पानी यूज़ करना चाहिए जब भी हम वाटर सॉल्युबल वाले वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं या फ्रूट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉयल करते हैं, कम पानी इस्तेमाल करें। अगर नहीं करना पानी इस्तेमाल तो आप स्टीमिंग कर सकते हैं, दैट इज़ भाप में पकाना, या स्टर फ्राइंग कर सकते हैं। एंड जो पानी निकलता भी है आप उसे दोबारा यूज़ कर लीजिए सूप्स में, सॉसेस में या आटा गूंदने में, ठीक है, या जूसेस में, ताकि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स बच के निकल गए थे ना, हम उन्हें दोबारा कैप्चर कर लेंगे, हम ही उन्हें दोबारा खाएंगे, ओके। थर्ड वाला है शॉर्ट कुकिंग ड्यूरेशंस। एज अ रूल ऑफ थंब, द लॉन्गर फूड्स आर एक्सपोज टू हीट, द मोर न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। टू रिड्यूस कुकिंग टाइम्स, cover the pot to retain heat and avoid evaporation. Place vegetables in already boiling water and learn to enjoy most vegetables with a crunchier texture, not mashy or overcooked, still with little rawness left. देखें, foods जो होते हैं ना, जितना आप ज़्यादा उन्हें, उनको heat से, heat apply करेंगे उन पे, उतना ज़्यादा ही उनका nutritional value घटता जाएगा. So अगर आपको लंबे समय तक नहीं पकाना है, ठीक है, अगर हमें वो टाइम कम करना है ना, तो हमें अपना पॉट जो है कवर करना चाहिए, उसको ढाक कर तब उसे पकाएं, ताकि जो एवेपोरेशन होता है हम वो रोक सकें। देखें, आप पानी एवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है, सारा भाप से पानी कम होता जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक पकाना पड़ेगा और पानी डालकर, क्योंकि शायद अभी कच्ची रह गई सब्ज़ी तो और डालेंगे, ओके। सो इट इज़ बेटर कि आप कवर करके तब पकाएं। दूसरा, जब आप वेजिटेबल्स डालें बॉइलिंग वाटर, आपको वेजिटेबल्स बॉईल करनी है तो आप ऑलरेडी बॉइलिंग वाटर में वेजिटेबल्स डालें। ऐसा नहीं कि आप गैस पे पानी रखें एंड वो नॉर्मल पानी रखें एंड साथ में सब्जी डाल दें, नहीं, जब पानी बॉईल हो रहा हो उसी टाइम वेजिटेबल्स डालें, ठीक है, एंड ज़्यादा लंबे समय तक ना पकाएं। जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको एक क्रंची टेक्सचर में एन्जॉय करें, बहुत ज़्यादा गली हुई, पकी हुई, सॉफ्ट नहीं खानी चाहिए, एन्जॉय करें जब वो थोड़ी करारी रह जाए, ठीक है। कट इन बिगर पीसेस एंड करेक्ट स्टोरेज, दीज आर टू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हाउ वी कैन प्रिजर्व दैम। देखें, बहुत ज़्यादा पीसेस हम छोटे करते हैं तो बहुत जल्दी लाइट, हीट एंड वाटर से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड न्यूट्रंस ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सब्जियाँ हैं जैसे कि अनियंस हैं, लीक्स हैं, शैलट्स हैं, ठीक है, इनमें हमें बारीक काटना पड़ता है, लेकिन जब भी आप इनको यूज़ करें तो इन्हें बस पकाने से पहले 10 मिनट से ज़्यादा काट कर ना रखें,
जब आप इन्हें काटें आप तभी पकाएं, ठीक है? काट कर छोड़ना भी सही नहीं होता। दूसरा स्टोरेज, मतलब हम कैसे इनको रखते हैं। वेजिटेबल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर्स नहीं रख सकती। अगर आप पालक के पत्ते फ्रिज में रखें, टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा ठंडक दे रहा है, तो पत्ते गल जाते हैं। ओके, सो एयर कंटेक्ट भी कम होना चाहिए एंड टेम्परेचर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर्स में रखने चाहिए फ्रिज में, एयर टाइट, जिससे कि हवा उसके थ्रू ना जाए। ओके, सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स हाउ वी कैन प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।